इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि MongoDB को कैसे इंस्टॉल करते हैं। यह NoSQL डेटाबेस है, यानी इसके अंदर SQL क्वेरी वगैरह की जरूरत नहीं होती। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह डेटा जो आप करते हैं टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो ये इसके लिए आप इस वेबसाइट पर आ जाए MongoDB.org पर, और इस पे डाउनलोड पर क्लिक कर दें। फिर आप ये नीचे आ जाए, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से उस पर क्लिक कर दें। उस टैब के ऊपर मेरा विंडोज़ का है, तो मैं ये विंडोज़ का सिलेक्ट किया हुआ है। तो फिर ये 64-bit है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। फिर ये फॉर्म आएगा, इसको आपको नहीं भरने की ज़रूरत है, एंटर नहीं करने की ज़रूरत है। आप कहीं पर भी डाउनलोड कर दें, तो मैं इधर डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड हो गया, अब इस पर क्लिक कर दें, ओपन कर लें, इसे रन कर लें, फिर नेक्स्ट कर दें, फिर ये एक्सेप्ट कर लें टर्म्स को, नेक्स्ट कर दें। इसके अंदर कंप्लीट और कस्टम का ऑप्शन देता है। कस्टम का जब आपको पता हो कि कहाँ पर इंस्टॉल करना है और कौन कौन सी चीज़ें। तो अभी के लिए स्टार्टर्स के लिए ये है कि जो बिगिनर हैं उनको कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर दें ताकि ईजिली इंस्टॉल हो जाए। फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। फिर फायरवॉल परमिशन मांग रहा है कि इंस्टॉल करने दो, यस कर दें। फिर फिनिश कर दें, ये इंस्टॉल हो गया। तो आगे जाके आप देखेंगे कि हम कैसे इसके अंदर डेटाबेस बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, उसके अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, डिलीट करते हैं। तो आप ये networkstack.com के ऊपर, इसके अंदर MongoDB के ऊपर वीडियो सीरीज देख सकते हैं।